जी हाँ जादू। चलो अभी तक तो कोई डिफरेंस लगा नहीं भाई, बैठ रहा है, वेट कर रहा है भाई, कुछ तो कर रहा है। तेरे घर पे जादूगर आया था के MP40। ओ भाई तो उसको मारा, नीचे वाले बंदे को भी एम गया। क्या बोलूं मैं, क्या भाई तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। तो गाइस फाइनली वेट इज ओवर। क्या बात है ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, बिकॉज इसमें पता चलने वाला है कि एक हैकर और एक फेयर प्लेयर खेलता कैसे है। हैकर आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यार फिर हैकर की तरह मार रहा है वो, बट आज आप लोगों को पता चल जाएगा कितना डिफरेंस होता है एक फेयर और प्रो प्लेयर में और एक हैकर में। यहाँ पे अच्छा बहुत सारे बंदों को अभी कुछ पता नहीं चल रहा होगा मैं किस बारे में बात करूं, तो मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने मैच किया था गाइस LBG से और CS का, कि जो भी जीतेगा वो $200 उसको मिलेंगे। यहाँ पे बहुत पैसा है भाई पास। तो गाइस क्या हुआ, LBG अब मेरे को नहीं पता उनकी, उनके कैप्टन को पता था कि नहीं, उनका एक प्लेयर नहीं था तो एक नए प्लेयर को लेके आए जिसका नाम था LBG फियरलेस। और लिटरली भाई जब इस बंदे ने हमारे अगेंस्ट खेला तो भाई इसने 17 किल मार दिए वहां पे। और हम लोगों को, मेरे को तो वहां पे भी थोड़ा सा कुछ भी ऐसा डाउट लगा नहीं, बंदे चैट में बोल जरूर रहे थे। तो फिर वो बंदा खुद ही बोलने लगा कि भाई मेरा जो है ना, अब लोग गिल टेस्ट ले लो यार, मेरे को NG में जो इन्होंने, मैं खुद शॉक था कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इस बंदे में। तो फिर वो बंदे का गाइज मैंने ऑफलाइन में वहां पे टेस्ट जरूर लिया। और गाइज उससे पहले मैं बता दूं कि जो मैंने वो टेस्ट लिया है ना, उसमें मेरे को खुद वहां पे डाउट हो गया था कि यार ये बंदा ऐसे कैसे मार रहा है, ये फंस गया लिटरली। बट आप लोग बॉडी भी देखेंगे वो भी, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे अलग ही लेवल के हैक्स भी शायद मार्केट में आ रहे हूँ। सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सब कुछ पता लगा लिया। बैन तो हो गया वो बंदा, बट इस लेवल के आ रहे होंगे कि यार बॉडी भी दिखते हेड भी दिखते, बट आप लोग पता चल जाएगा कि हाँ ये हैकर लेवल गेम प्ले। अब मैं हैकर क्यों बोल रहा हूँ गाइज, एक आप लोग यहाँ पे साइड में देखोगे उसकी ID बैन हो गई जिस दिन उसने खेला था, हमारे अगेंस्ट भी खेला था, GW के अगेंस्ट भी खेला था, लास्ट में दो मैच हुए थे वहां पे, तो उन्होंने वहां पे रिपोर्ट मारी, तो गाइज वो बंदा हो गया बैन। सेकेंड चीज गाइज, गेम प्ले अभी आप लोग देखोगे कि किस लेवल का है वो पता चलेगा। और थर्ड चीज, जी हाँ थर्ड चीज, आखिर उस बंदे ने बोला क्या। तो गाइज उस बंदे को तो आती थी भाई इंग्लिश, अब मैं हिंदी वाला, तो बट गाइज मैं भी पिछले एक महीने से एक ऐप पे यहाँ पे भाई इंग्लिश सीख रहा था उससे बात करने के लिए, और लिटरली यार मेरे को काफी कमाल का वो ऐप लगा और मैं खुद भी सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि खुद मैंने बहुत टाइम से मैं यूज करता आ रहा हूँ। तो गाइज ड्यूलिंगो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, यहाँ पे आप लोग हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हो और भी 40 से ज्यादा लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई एक्सेट्रा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइज ये जस्ट एक गेम की तरह है और वेरी इजी टू यूज है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से, वो भी बिल्कुल फ्री में। और थर्ड चीज, जी हाँ थर्ड चीज, आखिर उस बंदे ने बोला क्या, तो वो मैं आप लोग वीडियो के बाद में दिखाऊंगा। okay. तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वियतनाम सर्वर में। जय हिंद दोस्तों, स्मूथ के अकाउंट से मैं आया हूँ और ये बंदे का HNA स्पीड करके, मगर क्यों, तो एक बार अकाउंट देख लेते हैं भाई का। 69 लेवल है और 5000 से ज्यादा लाइक है भाई CS रैंक का। मेरे को नहीं पता किसका अकाउंट ये लेके आया भाई, किसका अकाउंट बचा हुआ है। हेडशॉट रेट इसमें 64 है और CS रैंक में हेडशॉट रेट सिर्फ 36 है। आई डोंट नो, और नाम भी कुछ ऐसा ही है इसका, HNA स्पीड। तो पहले हम लोग इसके नाम को यहाँ पे करेंगे फियरलेस, और चलिए जल्दी से करते हैं यहाँ पे इस गेम को स्टार्ट। और भाई चैट में जो इसके अपोनेंट में जो भी ये बुला के लाया ना भाई, वो स्मूथ को जान रहे, इधर लव स्मूथ 444 यहाँ पे लिख रहे थैंक्स। और गाइस ऑलरेडी मैं ये देख चुका हूँ मैच, बट अब मैं देखने वाला हूँ आप लोगों के साथ, देखते हैं कि भाई कैसा खेलेगा ये बंदा। आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। ओके तो जो इसके अपोनेंट है ना, आई थिंक अब मेरे को नहीं पता कि वो कैसा खेलेंगे कैसा नहीं, कहां से ये लेके आया, बट मेरे को खुद वियतनाम सर्वर में जाना पड़ा ये मैच देखने के लिए। कांग्रेचुलेशन। तो गाइज पहले और अपोनेंट की बात कीजिए तो हर एक अपोनेंट के पास यहाँ पे कैरेक्टर स्किल भी है गाइज, ठीक है ना, हर एक अपोनेंट के पास कैरेक्टर स्किल भी है, बट फियरलेस को देखते हैं। ओके भाई देख लो भाई इसकी कैरेक्टर स्किल, तुम देख लो आलोक के साथ आया बंदा। चलो देखते हैं भाई, शुरुआत में तो मेरे को भी नॉर्मल लगा, पता है स्टार्टिंग मेरे को नॉर्मल, ओके बट फिर भी एक बार देख लो आप लोग। ओके बॉडी भी आ रहा है भाई का, चलो जी, अरे कमाल क्या बात है। और एक बंदा तो USP से ही फाइट कर रहा है थी इसके अपोनेंट में, आवाज तो कुछ ऐसी आ रही है भाई, बॉडी बॉडी फुल बॉडी बॉडी। तो ये गंदा मारा है यार, ये वाला हेडशॉट लेने के थोड़ा गंदा था।
ओके बॉडी भी आ रहे यार, हैकर तो मतलब ही नहीं है। अभी बॉडी से नॉक किया है, मतलब ये मामला इसने चालू किया नहीं ऐसा लग रहा है। दो ही बंदे बचे हैं, अरे इसको भी नॉक। लास्ट वाले को बॉडी से मारे, कितने बॉडी मारे भाई, इससे अच्छा तो स्मूथ निकाल देता है यार 1v6। 6 के 6 बंदों को रेड। अच्छा अभी सिस्टम इसने चालू नहीं किया अपना। तो गाइस सेकंड राउंड में भाई ने लिए M1014, M1887 और डेजर्ट ईगल। ओके पहले बंदे को आते ही हेड, चलो भाई। ओके एक और को हेड, क्या बात है, दो गोली दो बंदों को हेड मार दिया। ओहो तीसरे को भी हेड, चमत्कारी बाबा आ गए हैं क्या। चलो चलो चलो, अरे 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 क्या कर रहा है भाई ये तो ये तो स्विच और हेड बस। बढ़िया रवि, तो लग नहीं रहा, अगर देखा जाए तो ऐसा तूफान मार लेता है, स्मूथ मार लेता है, अब तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, अभी जैसे जैसे राउंड होंगे तो जादू भाई का दिखेगा। लो भाई लास्ट वाले बंदे ने मार दिया। आप लोग बताया कि यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जब भी कोई इंग्लिश कमेंट कर देता था तो भाई उसका आंसर देना मेरे को इंग्लिश आती नहीं, तो भाई बहुत ज्यादा ऑकवर्ड और शाई फील होता था मेरे को। बट जब से ये ऐप मैंने यूज किया तो भाई अब तो मैं इंग्लिश काफी अच्छी बोलता हूं। तो यहां पे भाई इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है, हाउस, तो मेरे हिसाब से घर होने वाला ये। चलिए चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। तो घर को प्रोनाउंस क्या करेंगे, तो इंग्लिश में हाउस क्योंकि अभी आया था। और गाइस जो लोग फोकस करते हैं आपका स्पीकिंग, लिसनिंग और यहाँ पे रीडिंग, और ये आपको हेल्प करता है गाइस आपकी एक हैबिट बनाने में। अब ये आप लोगों को डेली एक रिमाइंडर भेजेगा और गाइस आपको सिर्फ अपने दिन के 10 मिनट यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे देने। और गाइस देखो इस ऐप में लेवल्स है, यानी कि जैसे ही आप अपने आप को ट्रेन करोगे उतने ही एडवांस आप होते जाओगे। किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ डाउनलोड। तो गाइस अब यहाँ पे पता है इस राउंड को देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार स्मूथ तो नहीं खेल रहे ना, मतलब जिस हिसाब से ये बंदों को स्पॉट कर रहा था, वेट कर रहा था, उस हिसाब से मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि भाई ये ओके ये स्मूथ तो नहीं खेल रहा है। चलो चलो चलो, ये दो हेड शॉट यहाँ पे बड़े, ये अपने सर्वर में भाई ये तो दिख भी नहीं रहा था। अरे भाई ये कुछ तो इसके पास शॉट गन है, कनेक्ट किया और स्टार्ट हो गया यार, अपने सर्वर में कोई यूज कर ही नहीं सकता कुछ भी। सीधा रिपोर्ट दो और भार, ये लो भाई यूएमपी से भी ओनली रहे। अभी आने वाले राउंड में हर राउंड के बाद ना एक खतरनाक होता जाएगा ये बंदा। चलो अकेला प्लेयर बचा है भाई, वो भी मेरे हिसाब से मार देगा यहाँ पे क्लच 1v6 और खत्म कर दिया भाई इसको भी। कैसा लग रहा है यहाँ तक बताओ भाई, कैसा लग रहा है गेम? आई थिंक नॉर्मल यहाँ तक। तो ऐसा भी खेलना है ना कि शक भी ना हो। ओके बंदा बिल्कुल पास से गए भाई, ये स्क्रिप्टेड है क्या? चलो नहीं, हेड तो मारा है भाई, पता नहीं यार कुछ बंदे मार रहे हैं कुछ बंदे नहीं मार रहे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। चलो देखते हैं भाई, फियरलेस ही खेल रहा था बिल्कुल, कनेक्शन बन नहीं रहा। लो भाई ये राउंड में भी भाई ने बिल्कुल मामला बंदी रखा, और एक बंदा तो यहाँ से ऑफलाइन भी चला गया शायद, या फिर कनेक्ट करके आएगा दोबारा। तो भाई 5 राउंड हो चुके हैं। ओके चलो, बंदा सामने से आ रहा था, हेड मार दिया उसको, ये भी 5 बंदे बचे 1v5। ये ना 6 के 6 बंदे को बिल्कुल आ रहे हैं सामने से मार सकते, अगर वो बस भाग जाए, स्क्रिप्टेड एक्यूरेसी देख रहे हो बंदे की। पीछे वाले को मारना चाह रहा था उसका, तो वो बंदा ऑफ है। चलो 3 प्लेयर अभी बचे, वुड पिकर स्टिल बंदा यूज कर रहा है, यूएमपी पे भी आ रहा है। ओके अरे कमाल, अरे भाई क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। पता है इतने राउंड होने तक ना मेरे को लग रहा था कि यार हाँ भाई ये तो वियतनाम का प्रो प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि अपने बंदे भी ऐसा मार देते यार जिस हिसाब से ये खेल रहा है। बट जब ये MP40 लेगा ना, अभी बस ये MP40 लेने वाला है और फिर तुम्हें थोड़ा सा चमत्कार दिखने वाला है। अरे भाई ये भी कम नहीं मार रहा है वैसे, और ओ हो भाई का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे है, हील वील भी नहीं कर रहा है कुछ भी। चलो ये राउंड भी गया भाई, चलो गाइस आ चुके हैं एक और राउंड में यहां पे। ओके पहला हेड,
और ये दूसरा भी हेड कितनी दूर दूर भाई इजी पीजी मार दे रहा है बिल्कुल। यार मेरे को तो अभी तक कोई डिफरेंस लग नहीं रहा अगर तुम सच देखो ना, बट लास्ट में एक ऐसी चीज दिखाऊंगा ना जिससे प्रूव हो जाएगी हर चीज। और इसका MP40 का गेम आप लोग जरूर देखना, इस राउंड में देखते भाई क्या कुछ करेगा। अच्छा UFC के साथ है, अरे हो हो भाई बॉल लगने के बाद मारा है। चलो ये तो एक्सपेक्टेड ग्लिच होगा। यार ये बॉडी कैसे मार दे रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिपल किल। चलो भाई एक लास्ट बंदा बचा है और इसका शायद नेट गया क्या। हाँ नेट गया, इसको भी परफेक्ट हेड मारा है बिल्कुल। आने वाला है अपना असली जादू। जी हाँ चलो अभी तक तो कोई डिफरेंस लगा नहीं। इसका मतलब समझे दया भाई, बैठ रहा है वेट कर रहा है भाई, कुछ तो कर रहा है। ओ भाई ये क्या है भाई। ओके फिर यहाँ पे येलो मारा भाई ने, भाई साहब भाई 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 कुछ तो जादू है, शॉर्टकट वाला भी जादू है कहीं ना कहीं। अरे 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 ओके MP40। ओ भाई उसको मारा, नीचे वाले बंदे को भी एम गया, नीचे वाले को भी हेड। यहां से मेरे को डाउट हुआ, इस राउंड से मेरे को डाउट हुआ लिटरली। क्या था ये हैकर या जमा। अब आप लोग यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये बंदा डेजर्ट से खेलता तो शायद अभी तक यकीन ना हो, बट जब ये MP से खेला भाई मेरे अंदर डाउट गया पूरा कि भाई ये कैसे मार दिया MP40 से इसने। चलो गाइस इस बार है भाई के पास में UMP, MP40 और डेजर्ट ईगल। वैसे क्या कैसा लगा लास्ट वाला राउंड, धमाकेदार था कि नहीं था। ओके कमाल, बूम बूम MP40 का गेम चाहिए मैं। चलो भाई इसके एम से ही पिछले में पता चल गया। अब ये पता नहीं कभी कनेक्ट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कुछ तो ये कर रहा है। देखो फिर से बैठ के देखते हैं अभी क्या होगा। लो लो भाई भाई खतरनाक सेटिंग है इसके पास। चलो दो प्लेयर ने तो बैक ही कर दिया भाई। चलो खड़ा बंदा था मार दिया होगा। और देखते हैं भाई तीन प्लेयर बचे हैं लास्ट, अब बाकी राउंड्स में क्या कुछ करने वाला है। 1v3 यानी कि यार रियल गेम प्ले मतलब पेयर में, यानी कि एक प्रो प्लेयर और हैकर के गेम प्ले में फर्क तो दिख रहा है यहाँ पे, बट ये पता नहीं चल रहा कि कौन से राउंड में रियल खेल रहा है और कौन से राउंड में ये यूज कर रहा है। और रे खत्म यहाँ पे गाइज। चलो गाइज आ चुके हैं एक और राउंड पे। ओके भाई दो तीन बंदे ऑफलाइन चले गए इधर से, तो मेरे हिसाब से इस राउंड में इजी पीजी ये निकाल देगा राउंड जहां तक है, फिर करेंगे गाइज लास्ट। अरे कमाल लास्ट जूम है, आप लोगों से बातें कर रहा था चीज दिखाने की, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लाई हो गई है। एक बंदा था यहाँ पे उसके पीछे की साइड। चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और राउंड पे, और अब क्या सारे बंदे बोट बन गए क्या, ऐसे लग रहा है कि सारे ही बंदे वहां पे बोट बन गए। चलो देख लेते भाई बोट को कैसे मारते हैं। ओके यही बंदा बचा है शायद इधर जिससे फाइट ले रहा है ना, ये लो एक तो एलिमिनेट हो गया, पर तकड़ी फाइट दे रहा है वो, लग रहा है बिल्कुल सीरियस खेल रहा है, बट इसको कैसे तकड़ी फाइट दे सकता है भाई, अपने एफर्ट पूरा डाल रहा है अपनी तरफ से, सोच रहा हो यार मैं तो पूरा बैच दे रहा हूँ। ओ हो बंदा UMP यूज नहीं कर रहा, UMP तुम देखोगे ना SMG वाली गन बहुत ही
कम तुम्हें दिखेगी, जब जब दिखी है तब तब भाई का जलवा दिखाया। हेलो भाई, बंदे भाई, लो भाई गया ये भी। लो भाई साहब एक और बंदा, अब तो एक साथ आ रहे लाइन में। और लो भाई खत्म 5-7 से। तो गाइस इसकी आईडी बैन है, गेम भी आप लोगों ने देख लिया होगा, पूरा एम बिल्कुल एमबोट की तरह एमपी का देखा होगा। अब बात करते हैं इसके चैट पे, आखिर इसने कहा क्या लास्ट। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं, वो स्क्रीनशॉट मैं आप लोग दिखा देता हूँ।